सेवा को दोए पढ़े एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत ज पावे नाम, संत ज पावे नाम। पहला तीर्थ सिखा दासी बौली साहिब बनवाया, समरत गुरु तन अमरदास जी सोना शहर वसाया। आप नारायण मात लोक ते दुखड़े सब दे हर दे, दर्शन गोइंदवाल साहिब दे भागा वाले कर दे। गुरु नानक ने लाया बूटा हो रही ठंडिया छावां, जिते बैठन सतगुर मेरे हुण सुहागण थावां। खाली चोलियां लेके आवन जांदे तो पड़दे, दर्शन गोइंदवाल साहिब दे भागा वाले कर दे। रूप जग तो वखरा सतगुरु निम्रता दी मूरत, संगता दे मन ऐसे गुरु दे दर्शन दी जरूरत। अर्शां तों फुल्लां दी वरखा आ देवते कर दे, दर्शन गोइंदवाल साहिब दे भागा वाले कर दे। सिक्खी दा प्रचार करन लई प्रचार करन लई गुरु अंगद देव जी कल्या, सेवा सिमरन कर दे रहना अमरदास जी पल्या। जो भी करन साहेब दा दर्शन तप दे हिरदे ठर दे, दर्शन गोइंदवाल साहेब दे भागा वाले कर दे। छूत छात ते भेद कोई ना, जो भी आवे संगत उच्चे नीवे कथा बैंदे लंगर विच ला पंगत। अकबर वर्गे भी आए थे गुरां नूं सजदा कर दे, दर्शन गोइंदवाल साहिब दे भागा वाले कर दे। पिंडां विचों संगत रोज ही आउंदी कत वीरां, बाणी पढ़ के गुरु नानक दी मन नूं आवन धीरा। की उपमा वेख वेख कई अंदरों अंदरी सड़ दे, दर्शन गोइंदवाल साहिब दे भागा वाले कर दे। जो भी दर ते चल के आउंदे के चल के आउंदे मन चरना ना लाउंदे, निआसरिया दे जी आसरे एवें नहीं कहाउंदे। घोड़िया ताही पुत्र बना के दिल विच खुशियां भर दे, दर्शन गोइंदवाल साहिब दे भागा वाले कर दे। गुरसेवक गुरमीत सिंह बलजीत सिंह रल गावे, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोह बन आवे। मरगिंदपुरी भी शरदा दे नाल दर ते हाजरी भर दे, दर्शन गोइंदवाल साहिब दे भागा वाले कर दे। परम पूजनी गुरु प्यारे खालसा जी, हाजरी दर प्रवान करो प्यार विच आओ सरबत संगतां, बुलंद आवाज विच कह दो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा प्रोग्राम जी एस रिकॉर्डिंग कंपनी वालों पेश किया जा रहा है भाई गुरजीत सिंह जी दे उपराले दे नाल
आप जी तक बाबा सज्जन साहिब जी का प्रसंग पहुँचा रहे हाँ। पेश करने वाला जथा भाई करतार सिंह जी कीर्ति सभरावां वाले साथ दे रहे ने। गुरमीत सिंह अते गुरसेवक सिंह मरगिंदपुरिए सगे भाई मुख्तार सिंह जी आओ। उस वेले की गल है धुन्नी मल्ला पिंड दे रहन वाला बाबा सज्जन साहिब जी जिन्हां नूं हरीरां दा रोग हो गया वह गुरु अमरदास दे चरणां विच किवें आए उस वेले दा प्रसंग आप जी तक विशेष जथा बिने इउं करदा है। तवज्जो दे के श्रवण करिए जी। लैंदे वसदा जिले लाहौर दे विच लैंदे वसदा जिले लाहौर दे विच धुन्नी मल्ला दी पिंड दा नाम पाई उत्थे वसदे मल परिवार बहुते उत्थे वसदे मल परिवार बहुते वड्डे जिन्ना दे सी दयावान पाई एवी फुल सी ओना ही टाणियां दा टाणियां दा टाणियां दा एवी फुल सी ओना ही टाणियां दा चैणा मल सी जिस दी पहचान पाई कर दे आप हकीमी दा कम सी ओ कर दे आप हकीमी दा कम सी ओ किरत भला ते नेकी दा काम पाई ओ जिंदगी वेच ही विचरदियां लग गया जिंदगी वेच ही विचरदियां लग गया होया दुख हजीरा बलवान पाई इलाज कीते कराए अनेक उसने लाज कीते कराए अनेक उसने ठीक होया ना उस दौरान पाई दर्शन करन लई संगतां सतगुर दे दर्शन करन लई संगतां सतगुर दे दर्शन करन लई संगतां सतगुर दे गोइंद वाल साहेब नू जान पाई चैना मल वी तुर पिया संगतां ना चैना मल वी तुर पिया संगतां ना सच्चे मन दा कर रुझान पाई ओ दर्शन गुरां दे कर निहाल होया दर्शन गुरां दे कर निहाल होया सेवा विच सी जुट गया आन पाई दुख दूर हो गए मन जोड़िया जा दुख दूर हो गए मन जोड़िया जा गुर चरना ना हो शरदावान पाई सच्चा सिख जो गुरां ते रखे शरदा सच्चा सिख जो गुरां ते रखे शरदा गुर सेवका तो जावे कुर्बान पाई कथा गुरु ते मीत दी जग जाने कथा गुरु ते मीत दी जग जाने संगवा मरगिंदपुरी अनजान पाई इतिहास विच आउंदा है बाबा चैना मल जी दे वड वडेरे कुश्ती लड़िया करदे सन खाड़ियां विच जाके अपने करतब विखाउणे उहनां दा रोज दा करतब सी इन्हां नूं मल कहा जांदा सी क्योंकि घोलां दी प्रथा है मल खाड़ा खडूर साहब की धरती उत्ते गुरद्वारा साहब गवाही देंदा है। धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने जदों बच्चियां नूं गुरमुखी सिखाई पंजाबी भाषा उन्हां वेलियां विच छोटे छोटे बच्चियां दे घोल करवाउणे ये महाराज तो चले है। इन्हां दा परिवार भी भाई चैना मल दा जिन्ना भी परिवार सी कहिंदे वड वडेरे हकीमी करिया करदे सी इस करके इलाज करदिया होया लोकां दा हथ लगदे सन इन्हां नूं हजीरां दा रोग हो गया ये अपना रोग दूर करन वास्ते संगतां तो सुनदे सन। धन गुरु अमरदास पातशाह जी बौली दी सेवा करवा रहे ने ये संगतां दे नाल हजूर दे चरणां विच पड़ा दर पड़ा हुंदे होए पहुंचे ने। धन गुरु अमरदास पातशाह जी दा लग्या होया दरबार संगतां प्रशादा पानी छक के गुरु जी दे दर्शन कर दियां जुटियां होईयां सन सेवा विच इधरों भाई चैना मल जी संगत दे नाल जदों आए ने हजूर दे दर्शन कीते
मन नूं ठंड पै गई। हजूर दे चरणां ते नमस्कार करके कहण लगे, सतगुरु मैनू हजीरां दा रोग है, आप कृपा करो, सुनिया है सेवा कीतियां ये दुख दूर हुंदे ने। गुरु जी दे चरणां उत्ते नमस्कार करके भाई चैना मल जी जिन्हां दा नां सज्जन सच वी आउंदा है, किवें बेनतियां करदे ने, उहनां लाइनां नूं बिना इउं कीता जा रिहा है, श्रवण करिए जी। होया निहाल गुरां दे दर्शन यो करके आ, चैना मल अर जा करदा सतगुर दे दर ते आ, चैना मल अर जा करदा हरदा ना लेके आया दिल दे विच आस जी, सेवा नू कर दिया होवे दुखां दा नास जी, सेवा नू कर दिया होवे सतगुर दे चरणां दे नाल तन नू सुहाया ए, नाम उस परमेश्वर दा सच्चे मन गाया ए, सतगुर दे चरणां दे नाल तन नू सुहाया ए, नाम उस परमेश्वर दा सच्चे मन गाया ए, नाम उस परमेश्वर दा सुखां दियां कड़ियां मिल जान बेनती दास दी, सुखां दियां कड़ियां मिल जान बेनती दास दी, सेवा नू कर दिया होवे दुखां दा नास जी, सेवा नू कर दिया होवे साफ नित बरतन करदा उठ सवेरे जी, जिंदगी चों दूर कर रिया काल हनेरे जी, जिंदगी चों दूर कर रिया भगदाए कोले संगते दरिया ब्यास जी, सेवा नू कर दिया होवे दुखां दा नास जी, सेवा नू कर दिया होवे लंगर लई जंगला विचों लकड़ा ले आउंदा ए, संगतां दियां पंगतां दे विच भोजन वरताउंदा ए, लंगर लई जंगलां विचों लकड़ां ले आउंदा ए, संगतां दियां पंगतां दे विच भोजन वरताउंदा ए, संगतां दियां पंगतां दे विच संगतां नूं जल वरता के पूरी करे प्यास जी, सेवा नूं कर दिया होवे दुखां दा नास जी, सेवा नूं कर दिया होवे सुनदा आ बचन गुरां दे मुखों कै सत जी, ताही ता कहा गुरां ने सचन सच जी, ताही ता कहा गुरां ने इस दी गवाही परदा सूरज प्रकाश जी, सेवा नू कर दिया होवे दुखां दा नास जी, सेवा नू कर दिया होवे रहमत दिया नजरा सतगुर एक बारी पा देवो, शहरी मर गिंदपुरी नू लिखना सिखा देवो, रहमत दिया नजरा सतगुर एक बारी पा देवो, शहरी मर गिंदपुरी नू लिखना सिखा देवो, शहरी मर गिंदपुरी नू अर जा गुर सेवक कर दे चरना दे पास जी, सेवा नू कर दिया होवे दुखां दा नास जी,
सेवा नू कर दिया होवे। महाराज सच्चे पातशाह दे चरणा विच बाबा चैना मल जी बैठे हुए सन। हजूर सच्चे पातशाह ने आख्या, लै बई सजना, गुरु नानक कह के साडा जोड़ा अपने हजीरां वाले जख्मां उते फिर सतगुरु जी कृपा करनगे। कहिंदे ने जदों अपने जख्मां उते गुरु जी दी खड़ां छवाई, इन्हां नूं चैन मिलिया है, कोई रमान आया, सेवा विच जुट गए ने, सेवा करदियां जख्म ठीक हो गए ने। उन्हां वेलियां विच संगतां दूर दरेडे तों आउंदियां ने, सेवा करदियां ने। रात नूं रहण वास्ते टिकाणा बहुत घट सी, क्योंकि कमरे घट होण कारण संगतां मीं नेरी विच भजदियां सन। हजूर सच्चे पातशाह ने आख्या, चंगी लकड़ दी लोड है, जे पहाड़ां विचों लकड़ी आ जावे इत्थे कमरे बन जाण, संगतां नूं रहना सौखा हो जावे। हुण पहाड़ां नूं जाण वास्ते सच्चे पातशाह ने अपने सगे भतीजे भाई सावण मल जी नूं कोल सद्या है। आख्या, सावण मल जी जाओ पहाड़ां विच, जाओ हरिपुर दे राजे नूं प्रेर के सिक्खी नाल जोड़ना और चंगी लकड़ी लियाउणी। उहनां वेलियां विच पहाड़ां विच जाणा खतरे तों खाली नहीं सी। चैना मल होर भी सिख नाल तैयार होए ने, पंज सिख दे के तोरना सी। जदों सावण मल दी माता नूं पता लगा इह सतगुरां दी भरजाई सी, सगा भतीजा सी बाबा सावण मल जी, कोल आए ने, कहण लगे, गुरु जी उत्थे जाणा खतरे तों खाली नहीं, ਉਹ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਬਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਔਕੜ ਆਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮਲ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਓ। ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਕੜੀ ਦੀ, ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਕੜੀ ਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਓ। ਸਾਵਣ ਮਲ ਦੀ ਮਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਏ ਜੋ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ, ਸਾਵਣ ਮਲ ਦੀ ਮਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਏ ਜੋ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ। ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰਾਣੇ ਮਲ ਪਹਾੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰਾਣੇ ਮਲ ਪਹਾੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਵੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਵੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਸੁਭਾਵਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਸੁਭਾਵਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਸੁਭਾਵਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਪਹਾੜੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਪਹਾੜੀ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਦਾ। ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਓ ਦਾਤਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਓ ਦਾਤਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਰੁਮਾਨ
ਕਮਾਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀਸ ਚੁਕਾਇਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀਸ ਚੁਕਾਇਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀਸ ਚੁਕਾਇਆ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਰ ਪੈ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਿਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤ੍ਰਿਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੀ ਹਰੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੀ ਹਰੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਮਰਗਿੰਦਪੁਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਮਰਗਿੰਦਪੁਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਮੀਤ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਪੁਰ ਡੇਰੇ ਲਾਲਾ ਮੀਤ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਪੁਰ ਡੇਰੇ ਮੰਜਲੋ ਮੰਜਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਖੀ ਜਦੋਂ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਧਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਰਤ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਹਿਮਾ ਪਰਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਬਰਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਦ ਹੋਏ ਤਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਪਰਾਤ ਤੇ ਇਉਂ ਵਾਂਗ ਨਗਾਰੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਭੰਡਾਰੇ ਆਜੋ ਛਕਲੋ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੇ ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਈ ਪਾਸ ਪਧਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਵੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਡਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਫੜ ਮਾਰੇ ਉੱਧਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸੱਜਣ ਸੱਜੀ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੇ ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੁਦਰ ਸੈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਸ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਿਖਾਇਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਣੋ ਹਕੀਮ ਡਾਕਟਰ ਟੂਣੇ ਟੱਪੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਬੱਚਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਰਲਾਭ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸੈਨ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਖੇਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਮੂਰਛਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਮੂਰਛਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸੈਨ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰੋ
शहर च खबर फैल गई, दर्द बंद सुनदे आही हो गए कायल कई, दर्द बंद सुनदे आही हो गए कायल कई। जो भी चेहरा दिसे हंजू आना तोरिया, राजा हरि सैन ताह मार रो रिया, राजा हरि सैन ताह मार रो रिया। पला विच कट्टा हो गया है शहर जी, पला विच कट्टा हो गया है शहर जी, आख देने सारे हो गया है कहर जी, आख देने सारे हो गया है कहर जी। हर एक दुख च शरीक हो रिया, राजा हरि सैन ताह मार रो रिया, राजा हरि सैन ताह मार रो रिया। सत्ता रानिया चो इको एक पुत सी, बन गया अज जो मिट्टी दा बुत सी, बन गया अज जो मिट्टी दा बुत सी। सारिया दा दिल दर दानू छोड़िया, राजा हरि सैन ताह मार रो रिया, राजा हरि सैन ताह मार रो रिया। राजे हरि सैन दिया सत्ते रानिया, वांग कुमलाइया टुटे फुल टाणिया, वांग कुमलाइया टुटे फुल टाणिया। पुत्र दा दुख काल जेनू कोरिया, राजा हरि सैन ताह मार रो रिया, राजा हरि सैन ताह मार रो रिया। वैदा ते हकीमा सारा जोर लाया है, वैदा ते हकीमा सारा जोर लाया है, नुकसा किसे दा ना मिट्टी नू पाया है, नुकसा किसे दा ना मिट्टी नू पाया है। आवे ना समझ किसे नू की हो रिया, राजा हरि सैन ताह मार रो रिया, राजा हरि सैन ताह मार रो रिया। स्याणिया इकट्ठे हो सलाह करिया, राजे कोल आण के जी बिनह करिया, राजे कोल आण के जी बिनह करिया। दुखां विच डुब्बा आसरा कोई टोरिया, राजा हरि सैन ताह मार रो रिया, राजा हरि सैन ताह मार रो रिया। मर गिंद पूरी यार जांग जारदा, पूरी अर जांग जारदा, मीत सेवकां दे ताई जी पुकारदा, मीत सेवकां दे ताई जी पुकारदा। करी अरदास जापे हल हो रिया, राजा हरि सैन ताह मार रो रिया, राजा हरि सैन ताह मार रो रिया। जदों राजे दा पुत्र कला कला सी, इस दुनिया उत्तों किनारा कर गया, हुण राजे नूं हनेर छा गया, सारियां राणियां अदे लोक रो रहे सन। राजा हरि सैन कंधां नाल टकरा मार रहा सी। कहिंदे ने इक सियाणे पुरख ने आख्या, राजन सानू इउं लगदा है जिहड़े पंजाब तों महापुरख जेल विच डके ने, ये करनी वाले महापुरखां दी कोई करोपी जापदी है, उहनां नूं रिहा करना चाहीदा है। राजे दे मनन विच गल आ गई, उसे वेले तुरिया जेल विच आके सिखां नूं मिलिया, बंद कीते हुए सिखां नूं जेल विचों बाहर कढ़िया, जिथे बच्चा मरिया पिया सी उथे खड़िया। बाबा सावण मल जी नूं कहिंदा, महापुरखो इस बच्चे नूं बचा लवो। बाबा सावण मल जी ने कहिंदे, राजे तों सुच्चा जल मंगा के गुरु जी दा दिता होया रुमाल उस जल विच डुबो के जदों बच्चे दे मूंह विच निचोड़िया, बच्चा सतनाम वाहिगुरु कह के उठ पिया, खुशियां दी लहर दौड़ गई। राजा हरि सैन खुश होके कहिंदा, महापुरखो
मेरा पुत्र बचा लिया जे, मेरे लिए कोई सेवा दसो। एक पास्यों राजनाथ जोड़ के बेनती करता है कोई सेवा दसो, ते दूजे पास्यों बाबा सामण मल जी किवें दसदे ने भई सानू लकड़ी दी लोड़ है। सवाल ते जवाब मेरे साथी पेश इउं करदे ने, श्रवण करिए जी। हाथ जोड़ कहिंदा राजा हरिचंद जी, बख्शो कोई सेवा केड़ जाए नंद जी, बख्शो कोई सेवा केड़ जाए नंद जी। मन दी मराद होवे दसो साई जी, बख्शो कोई सेवा मेरे लायक भाई जी, बख्शो कोई सेवा मेरे लायक भाई जी। ओ चारे पासे खुशियां दी लहर फैल गई ओ, चारे पासे खुशियां दी लहर फैल गई, सबना दे मना दी उतर मैल गई, सबना दे मना दी उतर मैल गई। गोइंदवाल साहिब बने दरबारिया, इमारती लकड़ दी है लोड़ प्यारिया, इमारती लकड़ दी है लोड़ प्यारिया। राजे ने हुक्म नौकरानू लाया ए, करदा है सेवा मन शरधाया ए, करदा है सेवा मन शरधाया ए। सिखां कोलो सुनी बाणी तुरों आई जी, बख्शो कोई सेवा मेरे लायक भाई जी, बख्शो कोई सेवा मेरे लायक भाई जी। ओ बड़े परेशान सिख सेवा तक के, सारा दिन बैठदा नहीं कोई थक के, सारा दिन बैठदा नहीं कोई थक के। लेखा सारियां दा सच खंड जा रहा, इमारती लकड़ दी है लोड़ प्यारिया, इमारती लकड़ दी है लोड़ प्यारिया। बेड़ी वांग दरिया ठेलतियां लकड़ा, जान गोंदवाल पेल दिया लकड़ा, जान गोंदवाल पेल दिया लकड़ा। वड वड जांदे दरियाए पाई जी, बख्शो कोई सेवा मेरे लायक भाई जी, बख्शो कोई सेवा मेरे लायक भाई जी। और सारा दिन चल दे लंगर रहिंदे ने, वाहे गुरु साहब कहिंदे ने, वाहे गुरु साहब कहिंदे ने। महिमा परमानू जी मटाया जा रहा, इमारती लकड़ दी है लोड़ प्यारिया, इमारती लकड़ दी है लोड़ प्यारिया। ओ खुश होया राजा सेवा गुरु कर लईओ, खुश होया राजा सेवा गुरु कर लई, मर गिंदपुरिया ने चोली पार लई, मर गिंदपुरिया ने चोली पार लई। अथामित सेवक बलजीत गाई जी, बख्शो कोई सेवा मेरे लायक भाई जी, बख्शो कोई सेवा मेरे लायक भाई जी। उसे वेले राजे ने चंगी लकड़ जंगल विचों बढ़ा के इन्हां गुरसिखां नूं आख्या, बई लकड़ तुसी लै के महाराज दे चरणां विच लै जाओ गोंदवाल दी पावन धरती उत्ते। उन्हां वेलियां विच दरिया दे बेड़ियां राहीं इह लकड़ां लै के आउणा सी। जदों बाबा सामण मल जी तुरन लगे ते राजे ने हथ जोड़ के आख्या, गुरु दिया सिखा अपने नाल दे साथियां नूं लकड़ दे के भेज दे, तू कुछ समा सिखी दा प्रचार इस रियासत विच होर कीता जावे, कोई समा ठहरन वास्ते कह दिता। जदों बाबा सावण मल जी रुक गए, कोई समा इत्थे ठहरे ने सिखी दा प्रचार करदे ने। जदों चंगे चढ़ावे चढ़न लग पे, बाबा सावण मल दा भी मन बदल गया, काफी समा इत्थे ठहर गया। उधरों महाराज ने बड़े स्नेह भेजे, अणगौली कर छड़दा रहा महाराज दे
आए हुए बचना नूं बाबा सामण वाल जी इधर दूजे पासे जड़ी दित्ती हुई शक्ति सी महाराज ने सारी वापस लै ली। ते जदों कोई बजन पूरे ना होए इहदियां अक्खां खुल गईयां बाबे सामण वाल दियां। हुण तैयारी करदा है, कहण लगा राजन मैं गुरु जी दे चरणां विच जाणा है। राजे ने आख्या गुरु दिया सिखा सानू भी नाल लै जा, असीं भी महाराज दे दर्शन करने चाहुंदे आ। तैयारी कीती है राजे ने, कहिंदे ने गुरु दे सिख दे नाल सारा परिवार लै के अपना सारा चल पिया है। जदों गोंदवाल दी धरती दे लागे आ गए, गुरु दे सिख ने सारी मर्यादा गोंदवाल साहब दी समझा दित्ती। आख्या अपनियां राणियां नूं भड़कीले लिबास विच नहीं लजाना, बहुते गहने नहीं पाउणे। घुंड उत्ते महाराज ने पाबंदी लाई है, किसे ने घुंड नहीं कढ़ना, गुरु जी नूं मत्था टेकना बड़े सादे सुभा नाल। महाराज दा इह वी हुकम है, पहलां पंगत पाछे संगत, पहलां पंगत विच बह के लंगर छकना है, फिर साडे दर्शन नवाउणा है। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਿਨੇਹੇ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਰਾਜਾ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਓ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਨ ਚ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਸੀ ਓ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਨ ਚ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਐਸਾ ਜੀ ਤਲਾਸ਼ ਬੜੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਰਾਜਾ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਰਹਿਮ ਤਾਨਾ, ਕਰੋ ਰਹਿਮ ਤਾਨਾ ਬੇੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਰਹਿਮ ਤਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਰੀ ਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਰਾਜਾ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋ ਕੇ ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਰਾਮਾ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਦਾਰਿਆ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਗੁਰਾ ਮੁਖ ਚੋਂ, ਗੁਰਾ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਬਾਵਰੀ ਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰਾ ਮੁਖ ਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਰਾਜਾ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਓ ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੰਗਲ ਚੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਓ, ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੰਗਲ ਝੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਨਿਗਾਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਨਿਗਾਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬੰਧਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜ ਗਈ, ਨਿਗਾਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਰਾਜਾ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਓ ਲੇਖ ਮੱਤੇ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੀਤ ਸੇਵਕ ਜੀ ਮੀਤ ਸੇਵਕ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨ ਜੂਰਿਆ, ਮੀਤ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਮਰ ਗਿੰਦ ਪੂਰੀ ਗਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ
मत्था टेकया महाराज दे चरणा उत्ते राजे ने, मन तपदा होया शांत हो गया, गुरु जी दे दर्शन कीते तन हो गया। उधर दूजे पासे कहिंदे राणियां दी वारी आई है, शी राणियां राजे दियां सादे लिबास विच आईयां, जिहड़ी सतवीं राणी सी ओ सारियां तो छोटी सी, उहने गहने भी चंगे पाए हुए सन, उहने शर्म दी मारी ने संगत विच लोक लज्जों कुंड भी कढ लिया। धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे मुख विचों बचन निकलिया, चलिए संगत तो पर्दा करके नहीं आईदा। बस महाराज दे मुख तो बचन निकलन दी देर सी, राणी नूं चल हो गया। राणी ने चीकां मारदी होई ने अपना कीमती लिबास उतार दिता, गहने तोड़ दिते, जंगल वल नूं भज गई है। राजा कई दिन रहा, जदों तुरन लगा महाराज दे चरणा विच नमस्कार करदा है, सतगुरु जी हुण मैं वापस जाना चाहुंदा है, महाराज सच्चे पातशाह ने छुट्टी दिती है। राजा तुरन लगा, कहिंदा सतगुरु जे ओ राणी मिल जाए ओदा सुधार कर देना, ओनू किसे गुरसिख दे लड़ ला देना। ए कह के राजा अपने रियास नू चला गया। इधर दूजे पासे बाबा सज्जन साहिब जी चहना मल जी जी नू कहा जांदा है, ए कहिंदे ने जंगल विच्चों लक्कड़ लिया करदे सन, रोज जाना लक्कड़ लैण वास्ते, सुक्कियां लकड़ां लियाउणियां रोज दा करतब सी। ए राणी बड़ा दुख देंदी है, राणी लकड़ां खिलार देंदी है। एक दिन तां राणी ने पागल होई ने बाबा चैना मल दे हत्थां उत्ते दंदियां वड़नियां शुरू कर दित्तियां। बाबा जी लकड़ उत्थे छड़ के दौड़ आए ने महाराज दे कोल आ गए। बड़ा भयानक रूप वेख्या महाराज ने चैना मल दा, आख्या की गल है? कहिंदा महाराज ओ जिहड़ी राणी है मैनू बड़ा तंग करदी है, पागल औरत मेरियां लकड़ां खिलार देंदी है, बड़ा दुख देंदी है। बाबा चैना मल जी गुरु जी दे चरणा विच आ के बेनती जिवें करदे ने, उहनां लई इहनां नूं मेरे साथी बिनेहे ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਬਾਲਣ ਦੀ ਜਦ ਪੰਡ ਬਨ ਤੁਰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚ ਡਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਖਿਲਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿਤਿਓਂ ਆ ਕੇ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤੇ ਤਰਦਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਤਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ, ਪਰਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਡਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਜੀ ਅਨੋਖੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਓਏ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ। ਲੈ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਲੈ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਮੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾ ਦੇਵੀ, ਪਰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਾ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਸ ਕਮਲੀ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਏ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆਇਆ ਏ। ਰਜਿੰਦਰਪੁਰੀ ਪਾਈਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੰਗਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ।
बाबा सज्जन सच ने आप नाल बीती महाराज दे चरणा विच सब कुछ सुना दिता। महाराज ने अपने चरणा दा जोड़ा दे के आख्या, लै सज्जना जदों तेरे वालों आवे उहदे मत्थे विच ला दई, गुरु नानक कृपा करेगा उहदी होश टिकाणे आ जाएगी। महाराज का पावन जोड़ा लैके बाबा सज्जन सच जी अज लकड़ा लैन गए ने। राणी दौड़ के आई है बाबा जी वालू, बाबा जी ने मत्थे विच लाया, राणी दे होश टिकाने आ गए। तन उत्ते कोई लीड़ा नहीं सी, शर्मा के धरती उत्ते बैठ के कहिंदी, गुरु दिया सिखा जे मेरा सुधार कर दिता है फिर तन ढकण नूं कोई कपड़ा दे। इतिहास विच आउंदा है बाबा जी कोल चादरा सी, अपने मोढ़े तों ला के राणी नूं दिता, राणी ने तन ढक लिया जिवें शहरी कुड़ियां साड़ी लाउंदियां। कहिंदे ने एक पंड लकड़ां दी हुण बाबा जी ने चुकी है, एक राणी ने चुक ली है, तुर पई है नाल जिवें भरता दासी आउंदे ने तुरे आउंदे ने। महाराज जी सुभैकनी बौली साहब दे लागे खलोते सी, गुरसिख कहिंदे महाराज ओ जोड़ी बड़ी फब्बी आ रही है। हजूर सच्चे पातशाह जी मेहरां दे घर विच आ के कहिंदे ने, बई ए गुरु जी ने जोड़ी बनाई है, गुरु नानक दी कृपा होई है, जेड़ी पागल हो गई सी सिख उहदा सुधार करके लई आउंदा है। अपने मखार बिंद विचों जिवें वजन छड रहे ने उहनां लाइनां नूं मेरे साथी गुरमीत सिंह अते गुरसेवक सिंह मरगिंदपुरी सगे भाई बिने इउं करदे ने। किरती दा जथा उहनां लाइनां नूं पेश इउं करदा है। सतगुरां वल तुरे आउंदे चैणा मल जी, जंगल चो राणी आई नाल नाल चल जी। सतगुरां वल तुरे आउंदे चैणा मल जी, जंगल च राणी आई नाल नाल चल जी। समरथ धन गुरु अमरदास जी, समरथ धन गुरु अमरदास जी, रहम ते नजर नाल कहण तक के। रब ने बनाई वेखो किन्नी सोहनी जोड़ी, निमाणिया दे मान गुरु कहण हस के। रब ने बनाई वेखो किन्नी सोहनी जोड़ी, निमाणिया दे मान गुरु कहण हस के। हथ जोड़ चैणा मल बेनतियां करदा, मैं ता परिवार वाला सतगुरु जी। पत्नी करिया मेरे धीआं दे पुत्तर ने, मैं ता घर बार वाला सतगुरु जी। बेनतियां सुन कहिंदे वाली दो जहान, बेनतियां सुन कहिंदे वाली दो जहान, वेखी चैणा मल जावी ना किते तू नस के। रब ने बनाई वेखो किन्नी सोहनी जोड़ी, निमाणिया दे मान गुरु कहण हस के। रब ने बनाई वेखो किन्नी सोहनी जोड़ी, निमाणिया दे मान गुरु कहण हस के। सतगुरु कहण ए वी तेरा परिवार आ, तेरे नाल लिखे संजोग इस दे। चैणा मल दोवें परिवार तेरे रहणगे, रहिंदे जुगां ताईं हस दे ते वस दे। सतगुरु जोड़ी नूं आशीर्वाद दे के, सतगुरु जोड़ी नूं आशीर्वाद दे के, कहिंदे रहना सदा रब दे रंगां च रस के। रब ने बनाई वेखो किन्नी सोहनी जोड़ी, निमाणिया दे मान गुरु कहण हस के। रब ने बनाई वेखो किन्नी सोहनी जोड़ी, निमाणिया दे मान गुरु कहण हस के। चादर दी कीती तू रसम हथी अपने, दूजा साडे मुख ते बचन आ गए। तेरे ही हुकम विच रहेगी सदा, भागा वाले घर होर भाग आ गए। नानक गुरु दी निगाह जिस ते सवली, नानक गुरु दी निगाह जिस ते सवली, खुशी उस कोलों दसो किवें जाऊ बच के। रब ने बनाई वेखो किन्नी सोहनी जोड़ी, निमाणिया दे मान गुरु कहण हस के। रब ने बनाई वेखो किन्नी सोहनी जोड़ी, निमाणिया दे मान गुरु कहण हस के। लिखू मरगिंदपुरी सच्चियां कहानियां, सतगुरु रहम ते नजर रखियो। काव गुरमीत मुख तार नाल गाउणियां, सत संग कर अमर
साडी अरदास लाज रखियो सभा दे विच, साडी अरदास लाज रखियो सभा दे विच, छंद सेवकां ने गाउणिया गुरु के जस के। रब ने बनाई वेखो किन्नी सोहनी जोड़ी, निमाणिया दे माण गुरु कहण हस के। रब ने बनाई वेखो किन्नी सोहनी जोड़ी, निमाणिया दे माण गुरु कहण, गुरु कहण, गुरु कहण हस के। जदों गुरु के लंगर विच आ के लकड़ां दीआं पंडां सुट दित्तीआं, कहिंदे महाराज सच्चे पातशाह दे कोल आ गए, चरणां ते नमस्कार कीती। हजूर सच्चे पातशाह ने वचन कर दिता, आख्या सचना अज तो तेरा ते राणी दा विआह कर दिता है। असी जिहड़ी चादर दी रस्म है ये उदों तो चली है, राणी उत्ते बाबा जी ने अपना चादरा दिता सी। महाराज ने आख्या अज तो अगे जे किसी औरत दा पति मर जाए वह पुनर्विआह करा सकती है, जे किसी का वड्डा भाई चढ़ाई कर जे ते उहदे द्योर दे घर बिठा के उहदे उत्ते चादरा पाया जांदा सी। ए महाराज ने रस्म उदों तो चलाई, अज भी चलदी आउंदी है। राणी नूं अनेकां वर दित्ते महाराज ने। सज्जन सच ने हथ जोड़ के आख्या महाराज मेरी ते शादी होई है, मेरी घरवाली है, मेरे बच्चे भी है। महाराज ने आख्या ए भी तेरी है, क्योंकि ये तेरे नाल असी विआह दित्ती है। महाराज ये जिथे दो हुण लड़दियां ने, हजूर कहण लगे सचना इहनूं समझा दिंदे आ ये नहीं लड़दी। महाराज तों आग्या लै के तुरन लगा। हजूर सच्चे पातशाह ने जोड़ा दे के आख्या लै सचना पागल रोगी नूं ला देंगा, उहदा पागलपन ठीक हो जाएगा। हल्के कुत्ते दा वड्डिया होवे उहनूं छुआ देंगा उह ठीक हो जाएगा। जे किसे नूं हजीरां दा रोग होवे वह भी ठीक हो जाएगा। अनेक वर दे के महाराज ने इस जोड़े नूं तोड़ दिता। गुरु साहब का पावन जोड़ा लैके राणी नूं लैके जदों बाबा सज्जन साध जी अपने घर विच आया, होया उही जिहड़ी पहली विहोता सी, उन्हें वेख्या ये विआह करा के आ गया है। कहण लगी स्वामी देव मैं ते तुहानूं गुरु साहब के चरणों में भेजिया सी अपनियां हजीरां दा इलाज करवाउण लई, ते तुसीं विआह करा के आ गए हो, बहुता समा इन्हां दोहां दी बणी नहीं। कहिंदे ने ये अपने पेके पिंड जिला लाहौर विच मदर पिंड विच चले गई। मदरां वाली बीबी दा परिवार पिप्पल थे हरियाणे विच है, राणी दा परिवार कुछ सैदे वाले बैठा है, उत्थे भी मेला मनाया जांदा है। राणी दा परिवार जिहड़ा अज भी पिंड दुलची के नज़दीक फिरोजपुर दे लागे है 2800 नूं उत्थे जोड़ मेला मनाया जांदा है। सारे ही मल परिवारां वल्लों जथे नूं हुक्म कीता गया सी ए गुरु जी दे पावन जोड़े दा इतिहास संगतां तक पहुँचाया जाए। अज पेश करन वाला जथा भाई करतार सिंह जी कीर्ति गुरमीत सिंह गुरसेवक सिंह ने सारा इतिहास कलमबंद किया है। मुख्तार सिंह संगवा इन्हां शब्दां नाल खिमा है। जी एस स्टूडियो का धन्यवाद करते हुए आप तो आग्या मंगते हाँ, फतेह चढ़दी कला नाल बुला लिओ, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा।